वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। ये शिक्षण संस्थान है और शिक्षण संस्थान में केवल शिक्षा संबंधित कार्य की जाती है, कोई धार्मिक कार्य या कोई आयोजन नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मुस्लिम छात्राएं अभी भी हिजाब में क्लासरूम में बैठना चाहती हैं और लगातार उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करती नजर आ रही हैं। पिछले दिनों भी कर्नाटक के मैंगलोर से एक कॉलेज की वीडियो सामने आई थी जिसमें मुस्लिम छात्राएं हिजाब में ही क्लासरूम आने के लिए टीचर से बहस करती दिखाई दे रही थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें काउंसलिंग देकर वापस घर जाने को कह दिया। अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से कॉलेज में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम शख्स नमाज अदा कर रहा है, लेकिन जब यह वीडियो सामने आया तो यह पता लगा कि यह शख्स अलीगढ़ के श्री वाष्णे कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ रहा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल तो मचना ही था, लेकिन यह बवाल तब और ज्यादा बढ़ गया जब यह पता लगा कि वीडियो में नमाज पढ़ता दिख रहा यह शख्स कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का ही मुस्लिम प्रोफेसर है जिसका नाम एस आर खालिद बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने प्रोफेसर से कॉलेज परिसर में पढ़ी गई नमाज पर आपत्ति जाहिर की। कॉलेज प्रिंसिपल और प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने मामले में संबंध में कहा, एक कमेटी बनाई जाएगी, फिर रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। हम ऐसे कृत्यों को कॉलेज में बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, जिन्होंने ऐसा किया है उस पर ये कार्रवाई जरूर की जाएगी। आज प्रातः समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि कोई नमाज अदा की गई है, और जब ये संज्ञान में आया तो हमने अपनी विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ये शिक्षण संस्थान है और शिक्षण संस्थान में केवल शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं, कोई धार्मिक कार्य या कोई आयोजन नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई है तो विभागीय प्रक्रिया में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो के सामने आने के बाद कॉलेज में नमाज का भाजपा नेता ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा की यूथ विंग कार्यकर्ताओं ने मामले के तूल पकड़ने के बाद धमकी दी कि अगर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो वो परिसर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस विवाद के बढ़ने के बाद अब खूब हंगामा हर तरफ देखने को मिल रहा है, और इस मामले में अब क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ।